अस्सलाम वालेकुम विक्टोरियन स्मार्ट सिटी के लिए अभी अगली वीडियो के साथ मैं हूँ इरफान। आज हम आपको GDB के सेक्शन के बारे में बताएंगे। GDB बेसिकली क्या होती है? GDB ग्रेडेड डिस्कशन ग्रुप का एब्रिविएशन है। तो इसमें हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और हमें इंस्ट्रक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं कि उसके ऊपर हम अपने जो मतलब हमें पता है हमारा जो नॉलेज है उसके उसके मुताबिक उसका आंसर दें। तो मतलब अमूमन ये 2 नंबर की या 5 नंबर की होती है, बट ये देख लें कि हमारी जो GDB आती हैं अमूमन 2 से 3 आती हैं एक सेमेस्टर के अंदर, और जो GDB के मार्क्स हमारे जो CGPA है उसके बहुत अच्छा अंदाज होते हैं उसका, जैसे कि ये सब्जेक्ट था CS 101, तो इसके 5% हैं। मतलब क्विज़ से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो GDB है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है हमारी असाइनमेंट, क्योंकि वो 12% है। उसके बाद जो अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है GDB, और जो फिफ्थ के बाद है वो क्विज़ है। तो GDB का मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि GDB हमारी किस तरह होती है और हमने उसको सॉल्व किस तरह करना होता है। GDB हमें एक लिमिटेड मतलब बता दिए जाते हैं कि आपने 150 to 200 वर्ड्स के अंदर करना है, और जिस तरह उसके रिक्वायरमेंट होते हैं उसका करना है। हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है उसके ऊपर हमें अपना, जैसे कि इसका एक टॉपिक है सिमेंटिक वेब डिजाइन एक्सटेंशन ऑफ करंट वेब ADC रजिस्टर, ये उसको हमने सोल्यूशन किया और सोल्यूशन करके यहाँ पे दिया। तो अगर आप भी यहाँ पे मतलब जैसे कि आपकी GDBs आते हैं तो यहाँ पे आप एक नई जो भी डिस्कशन उसको ऐड करेंगे, उसको मैं आपको आगे बताऊँगा कि डिस्कशन किस तरह हमें ऐड करनी है और उसको हमने किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद फिर क्लेरिफाई करता चलूँ कि जो GDBs होती हैं वो 2 या 3 आती हैं हमारे सेमेस्टर के अंदर, और वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ईजी होती हैं, और एक मतलब मुख्य नंबर होते हैं। तो इस सेक्शन में हमने आपको बताया GDBs के हवाले से, अगले सेक्शन में हम आपको असाइनमेंट के बारे में बताएंगे।